ये 10 रुपए का नोट ही है ना? नहीं नहीं तो कहीं पता चल जाए कि इसमें से 1000 का नोट भी निकल। नहीं यार सच में मुझे बताओ कि 10 रुपए में आजकल क्या मिलता है? आई थिंक ज्यादा से ज्यादा एक वड़ा पाव मिलेगा, और आप एक वड़ा पाव में पूरा दिन नहीं निकाल सकते। मतलब आप 10 रुपए में 24 आवर चैलेंज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो हमारी फेवरेट यूट्यूबर प्रियंका दीदी का एक नया वीडियो आ चुका है जिसमें वो 10 रुपए में 24 आवर चैलेंज करने वाली है। टडंग 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 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह का बजट बहुत बहुत कम है। सो दीदी हमारी फाइनली निकल चुकी है 10 रुपए चैलेंज करने के लिए, एंड आई एम रियली एक्साइटेड हाउ शी इज गोइंग टू डू दिस चैलेंज, बिकॉज बस 10 रुपए उनके पास। ब्रेकफास्ट टाइम, ये गाइस ब्रेकफास्ट। ओके बहुत डिफिकल्ट है इसलिए सबसे। एक मिनट दीदी, मंदिर में आई है क्या? फूड चैलेंज करने मंदिर में कौन जाता है? आई थिंक वो वहाँ का प्रसाद खाने वाली नाश्ते में। आज का चैलेंज जो है ना मैं सक्सेसफुली पूरा कर पाऊँ। चलिए भाई चल के पहले दर्शन करते हैं, मास्क लगा लें, भीड़ बहुत है। 5 minutes later You won't believe guys, गणपति जी ने मेरी सुन लिया, मेरा ब्रेकफास्ट सॉर्टेड हो गया। ओह माय गॉड, ये चीटिंग है, ये बिल्कुल चीटिंग है, क्योंकि आपने चैलेंज लिया है 10 रुपए में पूरा मतलब दिन निकालने का, और आप चीटिंग कर रहे हो। आप हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल आज मैं देख रहे हो। ओह माय गॉड बहुत बड़ा है भाई। Okay, lunch time. It's lunch time, guys. सब कुछ इतना ज़्यादा महंगा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। चलिए देखते हैं कि मैं उसमें सक्सेसफुल होती हूँ या नहीं। मैं आ गई हूँ अपने अंकल के फार्म हाउस पे। अबे किसके खेत में गई है? अब चैलेंज तो मतलब उधर स्टॉल पर होना चाहिए ना, ये खेत में कहाँ गई हो दीदी? अब यहाँ पे ना मेरा लंच जो है सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ, जरा खाते हैं। ये देखिए क्या क्या लगी है, आइए आइए भाई पास आइए जरा। ये देखिए गाइस, ये देख रहे हैं अभी गोभी को का कच्चा खाएंगे क्या? तोड़ू क्या? चलो इसको तोड़ते हो। कैसे तोड़ते हैं गोभी? दीदी ने पूरा पत्ता ही उखाड़ लिया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। अबे गोभी का पेड़ का होता है? ठीक है मान लेते हैं, दीदी कहती तो गोभी का पेड़ होता है। बहुत बड़ी है मूली। एक सेकंड, ये तो फूड चैलेंज है ना? ये दीदी फार्मर कब से बन गई? अभी का अभी गोभी तोड़ रही है, अभी मूली तोड़ रही है। काम हासिल बना दी है। सो गाइस बड़ी मेहनत करने के बाद देखिए देखिए देख रहे हैं कितनी बढ़िया सुंदर डेकोरेट करी है ये बड़े वाले लेमन के साथ। ये क्या हो रहा है, ये तो सब कुछ फ्री में खा रही है, फिर 40 कहाँ गया वे वो 10 रुपए वाला? अभी दीदी पक्का कुछ ना कुछ तो पक्का खरीदेगी। It's snack time, guys. और मैं घर आ गई हूँ क्योंकि बजट आज बहुत कम है ना। मेरे गार्डन में ना मुझे सिर्फ और सिर्फ घास ही घास दिख रही है। घास तो घोड़े खाते हैं ना। एक फल का पेड़ है मेरे यहाँ, सीता फल। चलो भाई देखें। टूट जाएगा टूट जाएगा। ओके टूट गया। ये तो डंडी तोड़ दी मैंने, बड़ी डांट पड़ने वाली है। बारी आ गई से काटने की। अरे बापरे छुरी से भी बड़ी दम लग रही। पका हुआ है ना, छुरी से कौन काटता है सीताफल? हम काटे। पता नहीं क्या काटे भैया, कटो कटो। ओहो अबे कच्चा कौन काटता है सीताफल? गाइस ये बिल्कुल पीक है, अच्छा सीताफल मेरे हाथ लगा है। आई थिंक इसीलिए गिलहरियों ने ना इसको खाया नहीं। ओह माय गॉड, उसने बस सीताफल का एक बाइट खाया है और उसमें उसका स्नैक टाइम हो गया। मतलब स्नैक में तो यार मतलब एटलीस्ट वड़ा पाव होना चाहिए, बिस्किट होना चाहिए, पाव होना चाहिए, चाय होनी चाहिए, बस एक सीताफल का। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। देखिए हमारे बजट में क्या क्या आता है भैया, मेन्यू दीजिएगा। अच्छा ये रखा है, थैंक यू। इसमें तो सर नॉन वेज दिख रहा है, वेजिटेरियन में क्या क्या है? दाल है, हाँ पनीर है, अच्छा गोभी मटर नहीं है आपके पास? तो एक रिक्वेस्ट है पूरी करेंगे। देखो भैया करेंगे ना पूरी। ये जो गोभी है ना हम अंकल के फार्म से फ्रेश तोड़ के लाए हैं, बहुत ही मुलायम और बढ़िया है। इसका आप मुझे गोभी मटर बना दोगे? शब्द नहीं है मेरे पास दीदी के लिए, दीदी इतनी इंटेलिजेंट। मतलब जस्ट इमेजिन आपको आइसक्रीम खानी है और आप किसी आइसक्रीम पार्लर में जाते हो और उसको बोलते हो मैं अपने घर से दूध लेकर आया हूँ, 1 लीटर दूध है मेरे पास, ये दूध रख लो और मेरे को आइसक्रीम दे दो। क्या रिएक्शन दिया है अंकल ने, बुरा लगता है भाई। भैया रिक्वेस्ट है बना दो गोभी मटर प्लीज, फ्राई करना अच्छे से तड़के।
ये क्या मजाक है? दुकानदार ने उसको ले ली। हम कर रहे हैं खाना, हमारा लग चुका है। देखो क्या क्या मिला है हमें। एक मिनट, ये है गोभी मसाला, मटर डालेंगे नहीं? हाँ हाँ मटर डाल। ये है दाल तड़का और साथ ही में ये है खमीरी रोटी, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। आई एम गेटिंग सो टेम्पटेड, बट अभी उसका टाइम ना, पहले हम खाएंगे ये। विश्वास नहीं हो रहा उस बंदे ने उसको बस वो गोभी लिया और अभी उसको मटर पनीर गुलाब जामुन नान रोटी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 10 रुपए में खाली रोटी तक नहीं आती, रोटी तक नहीं आती खाली 10 रुपए में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्या आपके खाने में तो बहुत स्वाद था, वैसे बिल कितना हुआ? 210 रुपए। क्या क्या क्या? और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। 10 रुपए? अच्छा, पर हमारे पास तो सिर्फ ये 10 रुपए ही हैं। क्या 10 रुपए? ये भी आप ही रख लो। भैया कहीं आप हमसे बर्तन तो नहीं धुलवाओगे? पिक्चरों में देखा है कि अगर आप खाने का बिल नहीं भरो ना तो ओनर जो है बर्तन धुलवाते हैं। दीदी काफी इंटेलिजेंट है, उनको पता भी है कि अगर बिल ना भरो ना दुकान का तो होटल का तो होटल में बर्तन धुलने पड़ते हैं। स्वीट नहीं है, आपने भैया को ऑलरेडी मतलब वीडियो खत्म होने के बाद पैसे दिए होंगे, ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है। और तो और मेरे 10 रुपए भी नहीं लिए। गाइस ये मैं कर सकती हूं, ये आप नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ना मेरे फैमिली फ्रेंड का है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब ये चैलेंज क्योंकि मैं हार गई हूँ इसलिए नहीं कि बिल ज्यादा था, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी भी पूरे 10 रुपए मेरे पास बचे हुए हैं। इतना सारा खाना खा लिया, इतना बड़ा बिल हो गया, फिर भी दीदी के पास 10 रुपए बाकी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो गाइस बस इतना आज के लिए, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, सो दिल पर मत लो ये चीज को। आई नो प्रियंका दीदी इज अ वेरी गुड यूट्यूबर, मतलब वो काफी अच्छी यूट्यूबर है, काफी अच्छे व्लॉग्स बनाती है, बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है। एंड दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ यू एंजॉय द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।